गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा आप लोगों का रिवीजन टेस्ट वन हो चुका है, ठीक है। उसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस देखी है, कैसे किया, क्या किया, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई हमें, वो आप लोग देख चुके हैं। आज आप लोगों का रिवीजन टेस्ट टू है। उसके लिए जिस टॉपिक में आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ये मैंने पिछले हफ्ते भी आपको थोड़ा सा बताया था, आज फिर कर लेते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, श्रुति का मतलब है सुनना, सम का मतलब है बराबर, भिन्नार्थक, भिन्न मतलब अलग, आर्थक मतलब अर्थ, शब्द मतलब शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है, लिखने में भी अलग है, सुनने में भी अलग है, ठीक है, लेकिन लगते एक जैसे हैं, उन्हें कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। आपके मैंने नोट्स भेजे थे आपको जिसमें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए हैं, वो निकाल लो एक बार, उनको पढ़ते हैं और समझते हैं, और साथ ही मैं पैटर्न भी बताती हूँ कि आपको कैसे आएगा करना। ओके, आप लोगों को दो तरीके से श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आ सकते हैं। एक तो शब्द दिया हुआ है, उसके नीचे चार ऑप्शंस दी हैं, उसका राइट आपने अर्थ ढूंढना है, ठीक है। दूसरा जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, सेंटेंस दिया है, उसमें ब्लैंक दिया हुआ है, नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन सा ठीक शब्द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, मतलब कहाँ लिखा है ये, मैं समझी नहीं, कैसे होगा, आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, घड़ी झड़ी, आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करिए, आप इसको कैसे क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है, इसको वाक्य में कैसे हम कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, हम उसके डैश पर गए थे, ऑप्शंस दिए हैं, अपेक्षा, आयास, आवरण, और आवास। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, आवास, ठीक है। हाँ, आपको अर्थ पता होना चाहिए, अगर अर्थ पता है फिर आप उसको ठीक से कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, अतीत की डैश वर्तमान में जीना चाहिए,
अतीत की डैश वर्तमान में जीना चाहिए, उपेक्षा आली उभय अपेक्षा, क्या आना चाहिए? उपेक्षा, सोच लो, अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है बजाए, आवश्यकता भी है उसका अर्थ बजाए भी है। अतीत की बजाए वर्तमान में जीना चाहिए। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना। अतीत की डैश करके वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत की उपेक्षा करके वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत को इग्नोर करके वर्तमान में जीना चाहिए। क्लियर? उपेक्षा कैसे आएगा? वर्तमान की उपेक्षा, अतीत की उपेक्षा वर्तमान में जीना चाहिए, सेंटेंस ही नहीं बनेगा। अर्थ क्लियर होंगे तो आप राइट वर्ड उसमें लगा सकेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, इसी तरह से आपको यहां पर कोई शब्द दिया है, नीचे उसके चार मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आपको राइट मीनिंग उसका ढूंढ, या मीनिंग दिया हुआ है इसका सही अर्थ क्या है, या किस श्रुति संभिन्नार्थक का ये है वो लिखा है, या ऊपर दो शब्द अर्थ दे दिए, शब्द दे दिए ऊपर, जैसे अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, इसके सही चुनो, अर्थ नीचे दे दिया, दो 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 चारों ऑप्शंस में, उसका सही विकल्प चुनो किसी भी फॉर्म में। क्लियर एवरीबॉडी? किसी को इसमें कोई डाउट? एक बार ये सारे रीड करवा दूं, यही पूछना था कि किस तरह से आ सकता है, क्या फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो अभी। एनीथिंग एल्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। नो? ओके, इसके बाद मैंने आपको वाक्य रिवाइज करवाने हैं, लेकिन वाक्य रिवाइज करवाने से पहले जो बात मैंने आप लोगों को बतानी है, आपको पता चल गया कि आपके पेपर किस फॉर्मेट पे होने हैं, कैसे होने हैं? ओएमआर शीट, पता चल गया आपको ओएमआर शीट के बारे में, कैसे फिल करना है, क्या करना है? ठीक है, ऊपर ओएमआर शीट है, आप अपना नेम, रोल नंबर, क्लास सेक्शन सब कुछ लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको प्रिंट होकर आया है, अगर ये लूज हो जाता है ना, इसको क्रॉस करके पहन लो, क्रॉस करके पहन लो इसको। आप लोगों ने ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन सारी फिल करनी है। क्वेश्चन पेपर में जैसे आपको गद्यांश दिया है, उसके नीचे अगर पांच क्वेश्चंस हैं तो लिखा होगा 1 2 3 4 5। जैसे आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पता है सबको, कि कैसे क्वेश्चन पेपर आना है, सबसे पहले यहां कोई नंबर हेडिंग कुछ नहीं लिखा होगा, 1 2 3 4 सिंपल जैसे लिखा हुआ है, निम्न लिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुने। नीचे ये यहाँ ये क्वेश्चन लिखा है, नीचे इसके आपको गद्यांश दिया हुआ है, उसके नीचे नंबर वन क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा, उसकी ऑप्शंस लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है, उसकी ऑप्शंस, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा आ गया। ठीक है, अब दूसरा एक और गद्यांश है, आपको पता है ना, दो सी अनसीन पैसेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपको दूसरा गद्यांश दिया होगा, फिर क्वेश्चन लिखा होगा कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तरों के सही विकल्प चुने, फिर नीचे गद्यांश दिया है, तो यहाँ अब नंबर 6 लिखा होगा क्वेश्चन का, दोबारा से नंबर 1 2 3 4 नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन टू 1 2 3 4 5, क्वेश्चन थ्री 1 2 3 4 5, नो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आ गया, फिर 6 7 8 9 10, उसके बाद तुम लोगों की अगर ग्रामर आ गई है, ग्रामर सॉल्व करनी है तो क्वेश्चन नंबर 11 12 13, 40 मार्क्स का पेपर है, 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर, 40 क्वेश्चंस, क्लियर? ठीक है, उसमें ढूंढने नहीं लग जाना कि इसका 1 2 3 4 5 तो हो गया, आगे 1 2 3 4 5 नहीं आया। आपके पास ये OMR शीट है, पता चल चुका है आपको कैसे फिल करनी है, ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन दिए होंगे, ऐसे ऐसे 4 सर्कल्स होंगे, सर्कल्स के बीच में ए बी सी डी लिखा होगा, यहाँ ए बी सी डी का मतलब है क मतलब ए, ख मतलब बी, ग मतलब सी, घ मतलब डी, ये ध्यान रखना, क ख ग घ ए बी सी डी, क्लियर? इसको उल्टा पुल्टा मत करना, नहीं तो आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, और एक ऑप्शन के लिए आप एक ही सर्कल को फिल कर सकते हैं, दो सर्कल फिल नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नो, एक ही सर्कल पहली बार में ही सोच समझ के करना, क्लियर? छोड़ना कुछ नहीं है, अटेम्प्ट सारा करना है, इज इट क्लियर? ए बी सी डी, क मतलब ए, ख मतलब बी, सी मतलब ग, घ डी, ये याद रखना है, क्लियर? एनी डाउट्स? श्योर? चलूं आगे? ओके, ग्रामर बहुत ज्यादा अच्छे से करना। ठीक है, ग्रामर में ही हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। ओके, चाहे आप लोगों को गद्यांश पद्यांश आने हैं बुक में से, लेकिन अगर आपने कविताएं, आपने पद्य भाग नहीं समझा हुआ है तो आप MCQs पोएट्री का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज उसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लीजिए। ठीक है, अभी मैं एक रिवीजन, क्विक रिवीजन करवाने जा रही हूँ, वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन उससे पहले वाक्य होते क्या है, पिछली बार हमने शब्द किए थे, वर्णों के सार्थक क्या, दोबारा बोलो, ऐसे कैसे, आपने अपनी कॉपी में ये गलत लिखा था योग, मैंने ये ठीक भी करवाया था, आपने गलत ही याद कर लिया है। वर्ण इकाई ही होता है, यूनिट। ठीक है, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, राइट? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह उसे वाक्य कहते हैं। शब्द सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए, जिनका कोई मतलब हो, और व्यवस्थित ग्रुप होना चाहिए, ऐसे नहीं है कोई भी शब्द उठाए और रख दिया और वाक्य बन गया, नहीं, व्यवस्थित होना चाहिए।
एक ऑर्डर में होना चाहिए ठीक से, ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्य हैं, कितनी तरह के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर? आठ। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक या निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और आज्ञावाचक, आठ प्रकार के। अब आपको किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन में, ऊपर वाक्य दिया हुआ है, नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, उसमें से चूज करना है कि ये किस भेद का वाक्य है, ठीक है। ऊपर भेद दिया है क्वेश्चन में, नीचे चार वाक्य दिए हुए हैं कि इसमें से किस भेद, इस भेद से रिलेटेड कौन सा वाक्य है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। विधानवाचक सिंपल सेंटेंस, एक कर्ता एक क्रिया, हम पढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। निषेधात्मक, जिसमें नहीं, मत, ना आदि का प्रयोग है, पनिका ने आज कक्षा नहीं लगाई है, ठीक है, हम सब कक्षा में बैठे हैं। विधानवाचक, जहां नहीं आ गया, ना आ गया, मत आ गया, निषेधात्मक, ओके। प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, क्या आप सबको ये समझ में आ गया? प्रश्नवाचक प्रश्न, ठीक है, प्रश्नवाचक। विस्मय आदि बोधक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, सिर्फ विस्मय नहीं है, विस्मय का मतलब होता है हैरानी, लेकिन केवल हैरानी नहीं, हैरानी, दुख, खुशी, ठीक है, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, अरे क्या, हाँ कुछ भी, ठीक है, इस तरह से। संकेतवाचक, जब हमें पता चलता है कि एक काम होने पर दूसरा काम होगा, यदि वर्षा आएगी तो कपड़े गीले हो जाएंगे, एक काम होगा तो दूसरा काम होगा, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाएंगे, यदि नेताजी आएंगे तो ही भाषण शुरू होगा, सूर्य निकलेगा तो कपड़े सूख जाएंगे, एक काम होने पर दूसरा काम। संदेह मतलब जहां पर डाउट है, ठीक है, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज पिताजी आए, लगता है बारिश आने वाली है, ठीक है, संदेह, जब कुछ भी कंफर्म नहीं। इच्छा, इच्छा मतलब विश, इसमें सिर्फ इच्छा नहीं है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए, काश मैं पास हो जाऊं, ठीक है, इसमें ब्लेसिंग्स भी हैं, ठीक है, शुभ कामनाएं भी हैं, आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, इच्छावाचक, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक, ठीक है। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में सिर्फ ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट भी है, कृपया एक गिलास पानी ले आइए, तुम बाहर जाकर खेलो, कृपया पढ़ाई की ओर ध्यान दें, ठीक है, यदि आप पढ़ाई करेंगे तो अवश्य ही अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। संकेतवाचक, ठीक है, इस तरह से याचना प्रार्थना मत करें। निषेधात्मक, क्या आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी? प्रश्नवाचक, वाह आपने तो सारा सिलेबस पूरा कर लिया। विस्मय आदि बोध, ठीक है, साथ साथ में ये लिखते जाओ। आज्ञावाचक, ओके, उदाहरण बोली मैंने, ठीक है,
एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? बस एक थम्स अप हुआ है, सात विद्यार्थी हैं और केवल दो को समझ में आया है, तीन चार बाकी तीन, आरुष गगनदीप लक्ष्य, समझ में आया या नहीं? ओके गुड, ठीक है चलो। अब कोई और टॉपिक जो समझ में ना आया हो, जो आप समझना चाहते हैं? रैदास, ओके चलिए रैदास समझ लेते हैं। क्या बेटा? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, जितनी बार मर्जी रिवीजन करते जाओ, दोहराई तो आप कितनी बार कर सकते हैं बेटा, जितना दोहराते जाएंगे उतनी ज्यादा कठिनाइयों का निवारण होता जाएगा। रैदास एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? रुद्र विजय साहब बताएंगे क्या बताया है इसमें रदास जी ने? क्या कह रहे हैं? क्यों, आपने तो पिछली बार ये बताया था। हाँ जी समझ में आया? सेकंड तो हमने दोबारा उस दिन भी किया था, फिर भूल गए। चलिए कोई बात नहीं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसमें रैदास जी ने दास्य भाव प्रकट किया है। आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जब ऊपर लाइंस दी हुई है एमसीक्यूज में, तो इन पंक्तियों में कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा है, कौन सा भाव दर्शाया गया, दास्य भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक लाइन दे दी हुई है तो उसमें नीचे क्वेश्चन आ गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार है, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकी भाषा कौन सी है, उस बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है क्लियर। चलिए अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इसमें रदास जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर के नाम की रट लग चुकी है, अब वे कभी भी छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप चंदन है और हम पानी है, जिस प्रकार से चंदन को पानी में डाल देने पर उसकी खुशबू पानी में चली जाती है और पानी में से उस खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से राम नाम के साथ हम मिल चुके हैं, हम में से आपको अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, आप बादल हैं, घने बादल हैं, आप घने जंगल हैं, घन बन घना जंगल, आप घने जंगल हैं और हम मोर हैं जो कि जंगल में रहते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरह से चांद को चकोर एक टक निहारता रहता है, वैसे भी ही हम भी आपको निहारते रहना चाहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी आप दीपक हैं, आप दिया हैं और हम
बाती है, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति हमेशा जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, आपके बिना हमारा कोई मूल्य नहीं है। जिस प्रकार धागे का मोती के बिना मूल्य नहीं है, हमारा कोई मूल्य नहीं है। आप मोती है, हम धागा हैं। धागे में मोती को पिरो देते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, और आपके नाम के साथ ही हमारा मूल्य है। जैसे सोने ही मिले तो सुहागा, हम सोना है, आप सुहागा हैं। सोने के ऊपर जब सुहागे को लगाया जाता है तो उसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। आप सुहागा हैं और हम सोना है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, आप स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदास जी कहते हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे स्वामी बने रहे और मैं हमेशा आपका दास बना रहूं। आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप श्रेष्ठ हैं और मैं आपका दास हूं। नेक्स्ट इज, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास गुसैया मेरा माथे छत्र धर, जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डर, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेना डर, नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैनु तर, कह रविदास सुनोरे संतु हरि जियो ते सब तर। इसमें रैदास जी ने अपने ईश्वर को कई नामों से पुकारा है। उन्होंने उन्हें गरीब निवास कहा, गुसैया कहा, स्वामी कहा, गोविंद कहा, ठीक है, लाल कहा। कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कि जैसी कृपा आप करते हैं ऐसी कृपा कोई नहीं कर सकता। हम तुच्छ प्राणी हैं और आपसे ऊपर कोई नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसी कृपा आप कर सकते हैं ऐसी कृपा और कोई नहीं कर सकता। गरीब निवासों को संज्ञा मेरा माथा छत्र का, कहते हैं आप गरीब निवासों हैं, आप गरीबों पर दया करने वाले हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने वाले हैं, आपको संज्ञा है और आपने मेरे माथे पर छत्र धर दिया है, आपने मेरे सिर पर अपनी कृपा का हाथ रखा है। जाकी छोटी जगत को लागे तापे तू ही धर, इस संसार में जिसकी जाति लोगों को छोटी लगती है उस पर आप कृपा करते हैं, उसे आप इस संसार से तार देते हैं। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेना डर, आप नीचे व्यक्ति को ऊंचा उठा देते हैं और ऐसा करते हुए आप किसी से भी डरते नहीं है। नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन उतर है, ये सब संत जितने भी संत हुए हैं ये सब नीच जाति के माने जाते थे, छोटी जाति के, लेकिन आपने उनका उद्धार कर दिया और उन्हें इस भव सागर से पार कर दिया, उन्हें आपने ऊंचा उठा दिया। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना और सैनो जैसे भक्तों को आपने ऊंचा उठा दिया। कह रविदास सुनो रे संतु हरि जियो ते सबे सरे, रविदास जी कहते हैं हे संतो सुनो कि हरे जियो, हर जीव पर कृपा करने वाले प्रभु सभी का उपकार करते हैं, उनसे सब कुछ संभव है। और कोई डाउट इसमें, एनी डाउट, क्लियर? ओके बेटा, गेट रेडी फॉर टुडेस टेस्ट एट 2 PM। टेस्ट डाल दिया जाएगा, PDF फॉर्म में होगा, आप लोगों ने PDF बना करके मुझे भेजनी है। ओके और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू बेटा।